अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो आज की जो वीडियो है वो है नेक्स्ट मिथिक फौज के ऊपर। टोटल 3 मिथिक्स आते हैं, तो आज की वीडियो में जो है ना एक मिथिक है। अब इस मिथिक के ना 90% चांसेस हैं कि ये वाला मिथिक आ जाए, क्योंकि बिल्कुल थीम के साथ जो है ना वो मैच कर रहा है। बाकी जो है ना कंप्लीट लीक्स जो है ना वो एक दो दिन में हो जाएंगे, कौन सी स्किन्स आ रही हैं और कौन से जो है ना। टोटल 6 मिथिक्स आते हैं या कभी 5 आ जाते हैं, 3 मिथिक आउटफिट्स होते हैं, कब तक आ रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो हमारे पास जो है ना 13 तारीख को जो है नेक्स्ट मिथिक फौज जो है ना वो आ जाएगा, 13 तारीख को, ठीक है। 13 या 14 इनमें से एक डेट होने वाली है यहाँ पर। तो लास्ट टाइम जो है पबजू मैंने 3 मिथिक्स दिए थे, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो 3 मिथिक्स से अच्छे वाले मिथिक्स से, लाइक काफ़ी लोगों ने क्लासिक रेट पे क्लासिक रेट से वो मिथिक्स निकाले थे, भाई इतने लाखों यूसी लगाए थे। तो यहाँ पर पबजी मोबाइल ने सिर्फ और सिर्फ 10 क्रिस्टल में जो है ना ये मिथिक्स दे दिए थे हमें, यहाँ पर 3 मिथिक्स से। तो नेक्स्ट जो है अपडेट, आपको पता है कि रिबोट टाइप जो है ना, जो हमारे पास क्या कहते हैं इवेंट आ रहा है, ठीक है, फुल रिबोटिक टाइप, उसमें रिबोट टाइप भी होंगे, सारा कुछ होगा। तो उसी के साथ जो मैच करते हैं ना सिर्फ और सिर्फ, अभी जो है एक मिथिक आउटफिट जो है वो नज़र आया। यहाँ पर मिथिक दिखा देता हूँ, कोई इतना खास नहीं, इसलिए इसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये चेक करो, ये वाला मिथिक है। तो यहाँ पर एक तो ये मिथिक लाइक कोई पहन के इसको खेलेगा नहीं, तो इस तरह की चीज़ें जो है मिथिक फौज में पबजी मोबाइल दे देता है। तो ये 90% चांसेस हैं कि ये वाला मिथिक आ जाए, और साथ इसके हेडगियर भी है ना, इसलिए इसको लगता है कि ये जो है ना मिथिक हमारे पास आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला मिथिक है बजट मेका सेट, और नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी मेका के ऊपर है, सारा नाम भी मेका फ्यूजन, सारा कुछ इस तरह का ही है। तो ये वाला मिथिक आउटफिट जो है ना ये आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको एक ना एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि ये वाला आउटफिट आ सकता है, क्योंकि थीम के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। तो बाकी है भी कोई इतना ख़ास नहीं, यहाँ पर 90% चांसेस हैं इस मिथिक आउटफिट के कि ये वाला मिथिक आउटफिट जो है ना वो आ सकता है। इसके अलावा प्रीमियम ग्रेड की स्किन्स की बात कर लें तो टोटल 3 स्किन्स हैं। अब सबसे ज़्यादा किसके चांसेस और सबसे कम किसके चांसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पर ना बता देता हूँ। तो वैसे जो था ना लीक्स, उसमें 3 स्किन्स जो है ना वो नज़र आई थी। ओम की कोई स्किन है, स्नाइपर ओम आ रही है, ठीक है, हमारे पास अब 3 स्किन्स थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्किन है वो ये वाली या कमांडर फील्ड, तो इसके आने के बहुत कम, मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि इसमें एक तो अटैचमेंट्स नहीं है, ठीक है, और रिजल्ट इमोट वाली स्किन भी, और इसमें अटैचमेंट्स भी नहीं है। प्रीमियम क्रेट में जो स्किन आती है उसमें अटैचमेंट्स होती हैं, ग्रांटेड रिवॉर्ड में निकल आती हैं। तो इसके सबसे कम चांसेस हैं इस वाले स्किन के, ये जो ओम है ना इसके। इसके बाद सेकेंड नंबर पर जो आ जाती है वो है हमारे पास ये गॉडज़िला ओम। अगर पबजी मोबाइल कोलैब कर लेता है तो शायद जो है हमें प्रीमियम क्रेट में देखने को मिल जाए, शायद, ठीक है। इसके भी कम चांसेस हैं, लेकिन जो कमांडर फील्ड है ना उससे ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन कम है, बहुत कम चांसेस है। इसके बाद जो लास्ट स्किन है ना उसके हैं सबसे ज़्यादा चांसेस, और मुझे लग रहा है कि 100% जो है ना यही स्किन जो है वो आ जाएगी। बट एक चीज़ है कि ये अभी कंफर्म नहीं हुई, ठीक है, अभी मिथिक क्या कहते हैं लीक्स वगैरह नहीं है। जिस तरह अपडेट आएगा ना तब ना प्रीमियम क्रेट के जो है ना लीक्स आ जाएंगे हमारे पास। तो लास्ट नंबर पर जो स्किन है वो है ये रेनबो वाली, तो ये ऑलरेडी भी आई हुई है एक बार, और ये नॉर्मल सी स्किन है, तो इसके आने के चांसेस जो है ना प्रीमियम क्रेट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 120 क्रेट पे आपको ग्रंटेड रिवॉर्ड ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो स्किन है ना रेनबो, इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज की जो वीडियो है वो जस्ट एक एक्सपेक्टेड वीडियो है कि मिथिक फौज में ये वाला मिथिक आ सकता है, 90% चांसेस हैं, और प्रीमियम क्रेट में ना ये वाली स्किन जो रेनबो वाली ओम है ना इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, लगता है कि यही वाली स्किन आ जाएगी। बाकी जिस तरह ही कन्फर्म होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि भाई जो है ना पबजी मोबाइल में जो है एक इवेंट आया था 2 मंथ पहले, तो उसमें जो है ना वो आयत लिखी हुई थी कुरानी। तो कल पबजी मोबाइल ने पहले सॉरी कर लिया था, हमने कहा था भाई ये तो नहीं होता हर बारी आके सॉरी कर जाते हैं। तो यहाँ पर 3 शर्तें रखी थी, वो पबजी मोबाइल ने शर्तें भी मान ली है। सबसे पहले तो वो जो डिज़ाइनर टीम थी उसको रिमूव कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसे कॉन्ट्रैक्ट, अब वो उससे क्या कहते हैं काम नहीं लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक लोकल टीम भी क्रिएट कर दी है, और सारी जगह से जो है ना वो वीडियो वगैरह रिमूव कर दिया। मतलब पबजी मोबाइल ने काफ़ी ज़्यादा तआवुन किया, और उन्होंने कहा है कि आइंदा इस तरह का नहीं होगा कभी भी, हमने एक टीम क्रिएट कर दिया जो कि हर चीज को ना रिव्यू करेगी। तो देख लें आप लोगों ने क्या करना है यहां पर। तो यही थी आज की वीडियो, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चलता हूं, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें,
अल्लाह हाफिज़।